आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2018 के अंदर कितने लोग अपीयर हुए, कितनों ने मेंस दिया, कितनों ने प्रीलिम्स दिया, कितनों का सिलेक्शन हुआ और उसका रेट ऑफ परसेंटेज क्या है, ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा सको कि आपका कॉम्पिटिशन कहाँ पर है। इसका ही बिल्कुल सिमिलर सा ही डेटा है 2019 का भी। वो डेटा भी अवेलेबल पूरा तरीके से नहीं है जिस दिन मैंने वीडियो बनाई है, इसलिए मैंने 2018 का लिया है। लेकिन मैंने बहुत सारी वेबसाइट चेक की थी, बिल्कुल सिमिलर सा ही डेटा है, सिलेक्शन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसलिए हम इमेजिन करके चल सकते हैं कि 18 और 19 का डेटा बिल्कुल सिमिलर है। 17 का डेटा बहुत ही अलग था, इसलिए मेरे को 18 और 19 को हम बेस ईयर मान सकते हैं। फ्यूचर में आने वाले 2-3 सालों तक यही डेटा आपके बहुत काम आने वाला है। ये डेटा देखो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक किया, बाकी बहुत सारे अदर रिलायबल सोर्सेज को भी देखा कि उन्होंने क्या कुछ डेटा अवेलेबल किया हुआ है। फिर मैंने देखा कि ठीक है, कुछ कुछ जगह पर हल्के बहुत चेंजेस हैं। जितना यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर इनके राउंड ऑफ ले लिए। ये राउंड ऑफ लेना मैंने इसलिए बेहतर समझा कि इसको ऐसा करने से हमको पता चल जाएगा कि परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान रहेगा। तो जैसे कि अप्लाई किया था 2018 के अंदर 17,55,000 लोगों ने, अपेयर हुए कुछ 8,00,000 समथिंग, मेंस देने गए 10,000 के आसपास, इंटरव्यू हुआ कुछ 1992 लोगों का, ओवरऑल सिलेक्शन 812 का, आईएएस सेलेक्ट हुए 180, आईएफएस 30 और आईपीएस 150। थोड़ा सा मैंने राउंड ऑफ कर दिया। देखो स्टार्टिंग का ये जो डेटा है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कितने लोगों ने अप्लाई किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपेयर कितने लोगों ने किया, ठीक है। इसलिए 8,00,000 को मैंने 8,14,76 को मैंने 8,00,000 के आसपास राउंड ऑफ कर लिया। ये आपकी परसेंटेज निकालने के लिए आसान हो जाएगा। सेम चीज़ थी जब 10,246 लोगों ने मेंस के लिए अपीयर किया था, मेंस का एग्ज़ाम लिखा था, मैंने उसको 10,000 कर लिया। इंटरव्यू के लिए जब थोड़े से 1992 थे तो मैंने उसको 2,000 मान लिया, 8 लोगों का ऐड कर लिया और यहाँ पर 12 लोग मैंने थोड़े से कम कर लिए। बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस डेटा को आप यूज़ करके डेफिनेटली अपनी जो प्रिपरेशन की आपकी स्ट्रेटेजी है ना, उसमें आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एक साल की एटलीस्ट आपको ओवरऑल प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना, हर अच्छा वॉरियर जो होता है ना, वो अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर इम्प्रोवाइज ज़रूर करता है। आप ऐसे गूढ़ ज़िद्दी मत हो जाना कि आप अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कोई चेंज करने को तैयार नहीं हो। देखो आर्मी जो होती है ना, डिफेंस जो होता है, मिलिट्री होती है, उनकी प्लानिंग सुपर एक्सपर्ट प्लानिंग होती है, ठीक है ना। एक चीज़ का वो ध्यान रखते हैं, इवन बैकअप में भी वो 2-3 प्लान्स रेडी रखते हैं। फिर भी लास्ट मोमेंट तक भी अगर उन लोगों को इम्प्रोवाइज़ करना होता है ना, वो बिल्कुल इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो आप इतने तो स्ट्रांग नहीं हो कि आप मिलिट्री जैसी एबिलिटी रखते हो इस मोमेंट पर, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी, आप इस एग्ज़ाम को भी अपना एनिमी समझ के चलना, और यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ एज एन वॉरियर। आपकी स्ट्रेटजी के अंदर हर समय थोड़ी थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन आते रहने चाहिए, ठीक है ना। टाइम टाइम के ऊपर चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं, चेंज हो रहा होता है, तो आपकी स्ट्रेटजी अपडेट होनी चाहिए। इस डेटा को यूज़ करके आप अपनी जो भी आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, जो भी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चल रही है, उसके अंदर इम्प्रोवाइज़ ज़रूर करना। आपको आइडिया लगेगा कि आप सेलेक्ट कहाँ पे हो सकते हो। देखो अगर हम बात करते हैं, अब हम इस डेटा को भूल जाते हैं, ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, हम बात करेंगे राउंड ऑफ वाले डेटा की। जब 17,00,000 लोगों ने अपीयर किया था तो मुझे इस डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे फ़र्क पड़ेगा कितने लोग उस दिन बैठकर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे थे। 8,00,000 लोग दे रहे थे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2018 के अंदर बैठ के एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर। उन 8,00,000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 ऐसे थे जिनको अगले लेवल के लिए क्लियर किया गया था, ठीक है। और उन 10,000 का अगर मैं परसेंटेज रेशियो निकालता हूँ तो 1.25% होता है, यानी कि 100 लोगों में से सिर्फ 1.25 लोग ही थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। इसको मैं अगर डेसिमल को फुल नंबर बना, कंप्लीट एक इंटीजर बनाना चाहूँगा, तो मैं कहूँगा कि 400 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अब अपनी आँखें बंद करो और विजुलाइज़ करके देखो कि तुम्हारे आसपास जब 400 लोग रहे होंगे, इमेजिन करो तुम्हारी कॉलेज की क्लास, तुम्हारे स्कूल की क्लास, ठीक है, तुम्हारी कोचिंग की क्लास, वहाँ पर 400 लोग हैं, उन 400 लोगों में से सिर्फ 5 को चूज़ किया जा रहा है, और वो 5 भी वो हैं जिन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया है, ऐसी रैंडमली किसी को पिक नहीं किया जा रहा है। सो कॉम्पिटिशन इज़ एक्सट्रीमली टफ। अगले स्टेप पर चलते हैं, अब हम देखेंगे 10,000 का डेटा को। 10,000 में से वो कितने लोग थे जिन्होंने इतना अच्छा आंसर लिखा कि उसमें से 2,000 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया। 10,000 में से 2,000 लोगों को सेलेक्ट करने का सिंपल सा मतलब है कि 20% लोगों को सेलेक्ट कर लेना। ध्यान देना, यहाँ पर सिलेक्शन रेट तो अच्छा हो गया है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी टफ था। ये 10,000 लोग वो थे जिन्होंने 4 दिन, तकरीबन एक सप्ताह के अंदर 4 दिन, दिन में 3-3 घंटे के 2 पेपर लगातार लिखे थे, ठीक है। इस 3 घंटे के अंदर इन्होंने 20-20 सवाल पूरे किए, इन्होंने 2-2 ऐसे लिखे हैं, 2-2 ऑप्शन के पेपर के लिए अपीयर किया है। तो ये लोग छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है, इनके पीछे बहुत बड़ी इनकी प्लानिंग थी, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, बहुत मेहनत की इन्होंने, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि 20% इंक्रीज़ हो गया है पिछले वाले से सिलेक्शन रेट, यानी कि यहाँ चांसेस ज़रूर बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन और गहरा हो गया, ठीक है। पहले तो तुम थे, यहाँ पर कंकर थे, पत्थर थे, लोहा था, सोना था, हीरा था, जवाहरात थे, सब कुछ थे,
ठीक है। उसमें से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने बस कंकर, पत्थर और थोड़ा बाकी चीज़ें हटा दी, कंकर और पत्थर हमने हटा दिए। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास सोना, चांदी, हीरा और लोहा भी है अभी हमारे पास, हमारे पास तांबा भी है, हमारे पास कॉपर भी है इसके अंदर, इस लेवल पे, ठीक है। अगले लेवल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले लेवल के अंदर हम लोग तांबा निकाल दे रहे हैं, ठीक है, और लोहा निकाल दे रहे हैं। अब हमारे पास क्या बच गया है 2000 के अंदर, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, तीन चीज़ें अभी भी बची हुई हैं। इसमें से सबका और हमको निकालनी और छटनी करनी होगी हम लोगों को। अब इन 20 में 2000 लोगों में से हम सिर्फ 800 लोगों को निकालेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वो हीरा रह जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ डायमंड रह जाएगा। यहाँ पर सोना भी हमने अलग कर दिया, यहाँ पर हमने चांदी को भी अलग कर दिया है। परिस्थिति को समझने की कोशिश करो, यहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा। जब 2000 लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे उसमें से 800 लोगों का सेलेक्ट होना बिल्कुल ही पॉसिबल है, 2000 में से 800 लोग, यानी कि आपका 40% आपका सिलेक्शन रेट है, ठीक है। यानी कि 100 लोग अगर जाएंगे तो 40 तो सेलेक्ट होके आएंगे, पर ये भी देखो ये वो 100 लोग गए थे जो कितने बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम देके आए थे, 4 दिन तक इन्होंने 3-3 घंटे के 4 बार पेपर दिए थे, यानी कि 8 बार इन्होंने 3-3 घंटे के एग्ज़ाम दे दिए थे, ये वहाँ से सेलेक्ट होकर फिर आए हैं आगे, ठीक है। और ये देखो ये ऐसे भी लोग थे इसमें, 9 लाख के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने पेपर का फॉर्म भरा था लेकिन पेपर के लिए अपीयर ही नहीं हुए। यहाँ पर कितने सारे ऐसे लोग थे, ठीक है ना, 7,90,000 लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाया। 7,90,000 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 8 लाख में से सिर्फ 10,000 आगे ले दिए गए थे। कितना बड़ा मतलब नंबर है ये, 7,90,000 लोगों को बाहर कर दिया गया था। उसमें से भी और छटनी हुई है, ठीक है ना, और फिल्ट्रेशन हुआ है। एंड देन देयर कम्स दिस थिंग, अब हम देखते हैं कि एक बार जितने लोग इंटरव्यू में अपीयर हुए थे यानी कि 2000 लोगों में से ओवरऑल IAS कितने बनेंगे। जब 2000 का हम लोग 180 पर निकालते हैं तो सिर्फ 9% बनता है, यानी कि जो लोग इंटरव्यू में बैठ रहे हैं ना, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, जहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। पहाड़ चढ़ने से भी खतरनाक है ये, इतनी आसानी से पहाड़ भी चढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये वो 2000 लोग थे जिनमें से सिर्फ 9% यानी कि 100 लोग गए थे अगर इंटरव्यू देने के लिए कमरे के अंदर, 9 लोग ऐसे होंगे जिनको IAS का कैडर मिलेगा, ठीक है। और उन्हीं 100 लोगों में से 150 लोगों को, यानी कि अगर 200 लोग गए थे तो 3 लोगों को IFS मिलेगा। तो ये वाला पार्ट तो और भी ज़्यादा टिपिकल होता है, IAS से ज़्यादा टफ होता है IFS का सिलेक्शन होना, क्योंकि वैकेंसी कम होती है। और थोड़ा सा ही और इसके IAS से थोड़ा सा टफ ज़्यादा हो जाता है IPS वाला, डिपेंडिंग अपॉन किसी की चॉइस क्या होती है। लेकिन अगर आप IFS बनना चाहते हो ना तो आपको वो वाली मेहनत करनी पड़ेगी जो कोई नहीं करता है मेहनत, ठीक है, दूर दूर तक भी नहीं। एस्केपिंग माइंड को शट डाउन नहीं करना पड़ेगा, यू विल हैव टू किल दैट एस्केपिंग माइंड, ऑल राइट। इस डेटा को समझने की कोशिश करो। अब मैं इस डेटा में आपको थोड़ा सा और एडिशन दिखाता हूँ। अगर हम बात करते हैं कि टोटल कितने लोग अपीयर हो रहे थे, ठीक है, और उसमें से टोटल सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ, देन द डेटा कम्स टू 0.10%। 8 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 800 लोगों का जब सिलेक्शन हुआ है तो वो बनता है 0.10%, यानी कि 100 में से पूरा का पूरा एक इंसान भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ध्यान देना, कम से कम 1000 लोग गए थे तो उसमें से एक का सिलेक्शन हुआ था। वो सिलेक्शन किस में हुआ है ये थोड़ी बताया अभी हमने कि हम IAS में सिलेक्शन हुआ है या IFS में। क्या पता वो ग्रेड बी वाली में जो लास्ट वाली जो पोस्ट होती है, इसको जनरली एस्पिरेंट जो छोड़ ही देते हैं कि इसमें नहीं जाएंगे बल्कि दोबारा तैयारी करेंगे, उसमें सिलेक्शन हुआ है इन लोगों का 1000 में से एक इंसान का, कोई गारंटी नहीं थी उसमें से भी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आप जितने लोग अपीयर कर रहे थे उसमें से IAS कितने बन सकते हैं, तो 0.02% है, यानी कि समझने की कोशिश करो 10,000 में से 10K में से 2 लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था जो IAS बने थे। अब तुम इमेजिन करो अपने आसपास 10,000 लोग तुम लोगों ने कभी देखे हो, तो तुमने कभी भीड़ देखी हो ना, तो उसमें 10,000 लोगों को इमेजिन करो उसमें से 2 लोग थे जिनका IAS में सिलेक्शन हो पाया था। कभी तुम किसी कॉलेज फेस्ट में गए हो, कभी तुमने कोई रैली देखी हो, तुमने टीवी पर देखा हो, 10,000 लोग कितने सारे लोग होते हैं, 10,000 के नाम भी याद नहीं रहते कभी, चेहरे तो याद रखना दूर की बात है, चेहरे भी याद नहीं रहेंगे, ठीक है। उतनों में से सिर्फ 2 का हुआ था IAS का सिलेक्शन, और वो इंसान इंटरव्यू भी निकाल के आया था, वो मेंस भी निकाल के आया था, वो प्रीलिम्स भी निकाल के आया था, उसने हिस्ट्री सिविक्स, उसने हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी इकोलॉजी एनवायरनमेंट और ना जाने आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ दिया, उसने करंट अफेयर भी पढ़ दिया, उसने एक ऑप्शन सब्जेक्ट भी पढ़ दिया, उसने लैंग्वेज पेपर भी दे दिए, उसने CSET भी दिया, उसने प्रीलिम्स भी दिया, उसने एसे भी लिख दिए दो, उसने इंटरव्यू भी दे दिया, उसमें से फिर 2 लोग बने थे IAS, ठीक है। ये डेटा ईजी नहीं है, ये बहुत डरावने वाला डेटा है, बट ये सच्चाई है। जितना जल्दी सच्चाई को अपने दिमाग में बैठा लोगे ना, उसके बाद मैंने ये तो लिखा ही नहीं कि 8 लाख में से अगर आप IFS बनोगे, क्योंकि जब IAS बनने वाला डेटा ही 0.02% था तो मुझे लगा कि IFS तो डिवाइड कर लो, अब तुम 0.02% को 6 से डिवाइड कर लो, उतने लोग बनेंगे आपके IFS, कर लो डिवीजन
आपने फ़ोन के अंदर लैपटॉप में क्या बनेगा डेसिमल में डेटा तुम्हारा। मैंने जानबूझ के खाली छोड़ दी लास्ट के दो। आईपीएस वाला तो ऑब्वियस ही बात था कि इसके और इसके बीच में पड़ जाएगा, लेकिन ये वाला मैंने आईएफएस का तुम्हारा खाली छोड़ दिया। अगर तुम्हें फ़ॉरन सर्विस चाहिए ना, तुम्हें चाहिए कि तुम फ़ॉरन सर्विस में जाओ, तुम्हारे उनके सारे प्रिविलेजेस बॉक्स मिले, तो देख लो तुम्हें कहाँ स्टैंड करते हो आज की डेट में। ध्यान रहे, कॉम्पिटिशन तुम्हारे अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं होगा, तुम्हें कंपटीशन के अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ेगा। तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये नहीं बोल सकते हो कि सर 3 घंटे हो गए हैं तो क्या, मेरी तो हैंड राइटिंग की स्पीड जो है ना वो थोड़ी कम है, आप मेरे को 15-20 मिनट और दो। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन देयर। तुम्हारी आंसर राइटिंग की जो स्पीड है ना वो हर क्वेश्चन की 5 से 7 मिनट की रेंज में आ जानी चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट कमिंग देयर, यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम येट। ठीक है, यू शुड बी रेडी फॉर द एग्जाम एवरी सिंगल डे नो मैटर वॉट कम्स। ध्यान रखना। एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगा, फिर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर तुम एक स्टेट के रनर हो, ठीक है, तुम एक स्टेट लेवल के रनर हो, तुम 100 मीटर की दौड़ को 20 सेकंड में पूरा करते हो, ये तुम्हारा बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर तुम बेस्ट परफॉर्म दे रहे हो, कोई परेशानी नहीं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तुम बेस्ट दे रहे हो यहाँ पर 20 सेकंड में, तुम 100 मीटर, एक्चुअली में 20 सेकंड नहीं होता, जल्दी हो जाता है, पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल है, ध्यान देना सिर्फ, परिस्थिति को समझने की कोशिश करना। तुम कई बार एक्सक्यूज़ देते हो ना कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, उसका भी एक तुमको मैं आईना दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा बेस्ट बेस्ट नहीं है। 100 मीटर की दौड़ को, रेस को तुम 20 सेकंड में पूरा कर रहे हो, ध्यान देना, ये तुम्हारा बेस्ट है। तुम किसी स्टेट के ऊपर काउंट कर रहे हो जिसका कोई काउंट नहीं है। अगर तुम जाते हो ना ओलंपिक के अंदर, तुम्हें मिलेगा उसेन बोल्ट। अब उसका एग्जैक्ट डेटा क्या है मुझे याद नहीं है, लेकिन 100 मीटर की रेस को अगर वो इंसान 10 सेकंड में पूरी कर रहा है ना, तो तुम्हें अपनी स्पीड के ऊपर क्या काम करना है तुम देख लो। अब तो तुम फिर तुम ये नहीं कह सकते कि माई बेस्ट इज़ माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड एवरीथिंग विल हैपन टू मी। इट इज़ गुड, इट इज़ आइडियल टू गिव योर बेस्ट, बट इट इज़ नॉट ट्रू कि आपका जो बेस्ट है वो आपको रिजल्ट देगा भी या नहीं देगा। इट डिपेंड्स आपकी सिचुएशन क्या है। आप स्टेट से ओलंपिक जाने के लिए तुम 20 सेकंड की परफॉर्मेंस देके बोल रहे हो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि तुमको नेशनल भी कोई क्लियर करके देगा? तुम्हें अगर उसेन बोल्ट को ओलंपिक में हराना है ना 100 मीटर की रेस के अंदर, तो तुम्हें अपनी स्पीड को डबल करना पड़ेगा, तब जा करके तुम्हारा यहाँ पर टाइम हाफ हो गया, यानी कि स्पीड डबल हो जाती है। जिसने कभी नहीं किसी ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, तो जहाँ पर टाइम हाफ हो गया वहाँ पर स्पीड डबल हो जाती है। जितना तुम आज तुम्हारी स्पीड है ना उसकी डबल स्पीड तुमको चाहिए होगी, देन यू कैन से कि यू आर एलिजिबल टू अपीयर एट लीस्ट। वहाँ पर भी ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारा तुम इस रेस में दौड़ोगे तो तुमको सिलेक्शन ही हो जाना है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे जैसे और बहुत बैठे हैं धरती के ऊपर, आसमान में, मतलब देश के अंदर, जो सेम बात लेके चल रहे होंगे। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को रियलिटी चेक बताने के लिए दिया था। कुछ लोगों को ये बात डरा सकती है कि इतना क्या डेटा है ये, और कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ यही तो चाहिए था, यही तो क्लैरिटी चाहिए थी, अब एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि मैं कितना वीक हूँ, कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तुम्हें आइडिया लग जाएगा अपनी प्रिपरेशन का अपने आप। ठीक है, आप लोगों को इसके अलावा छोटा मोटा कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, लिंक मैंने पीछे डाल दिया इस वीडियो के एंड में। For all of those who wants to know about the Telegram channel, आप Telegram को ओपन करो, उसके सर्च बार में जाओ, सर्च बार में जाके लिखना UPSC Monthly Compilations, आपको ये चैनल मिलेगा, ये आपको डिस्प्ले पिक्चर मिल जाएगी। चैनल का पूरा नाम है UPSC Monthly Compilations Explained। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये इसी चैनल का, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।